सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, यदि आप भी परेशान हैं, ऑनलाइन पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, सही यूजर आईडी व पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, इनवैलिड यूजर नेम व पासवर्ड दिखा रहा है, या तो लॉगिन के बाद भी पीएफ पासबुक नहीं शो हो रहा है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आप भी जानना चाहते हो, लाभ उठाना चाहते हो, तो कृपया जुड़े बिना इसके लास्ट तक बने रहे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे इस टाइम हम अपने मेंबर पासबुक लॉगिन पेज पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको अपना यूएन नंबर एंटर करना होता है, पासवर्ड एंटर करना होता है, उसके बाद ये जो भी कैलकुलेशन है वो एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाना होता है। तो जैसा कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि देखिए लॉगिन कर रहे हैं, बिल्कुल सही पासवर्ड डालेंगे तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये क्यों आता है, हालांकि काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा ऐसा दिखा रहा था इनवैलिड, तो मैंने अपना जो भी पासवर्ड है उसको चेंज कर दिया, फिर भी लॉगिन हो रहा हूँ तो भी ये एरर आ रहा है, मैं पासबुक अपना नहीं देख पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका मेंबर पासबुक लॉगिन पेज होता है और यहाँ पर ये यूनिफाइड पोर्टल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आप लॉगिन करके अपना अकाउंट का पूरा डिटेल देख सकते हैं यूएन का, लेकिन पासबुक के लिए आपको इस पेज पे आना होता है। तो अब क्या है, अगर आप बाय द वे किसी कारणवश अपने यूएन नंबर पे लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, तो अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ तो लॉगिन हो पाएंगे, यहाँ तो तुरंत लॉगिन हो पाएंगे, लेकिन इस पेज पे आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। आप दोबारा से अपना पासवर्ड बिल्कुल भी मत चेंज कीजिए। देखिए इसका रीज़न होता है, रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, एक चीज़ और जान लेते हैं कि काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने अभी अभी अपना यूएन नंबर एक्टिवेट किया और यहाँ पे तो अब लॉगिन हो पा रहा हूँ यूनिफाइड पोर्टल पे, लेकिन अपना पासबुक नहीं शो हो रहा है, पासबुक नहीं देख पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ये जो आपका पासबुक मेंबर पासबुक लॉगिन पेज है, इसमें कौन कौन से लोग लॉगिन हो सकते हैं और यहाँ पे कौन कौन लोग अपना पीएफ का पासबुक देख सकते हैं, इसी वीडियो में हम अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इम्पोर्टेंट में हम जाएंगे, जो पहला ऑप्शन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका जो मतलब होता है वो मैं बता देता हूँ आपको कि यह जो सुविधा है केवल उन लोगों को के लिए ही है जो लोग यूनिफाइड पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वो लोग ही अपना जो है कि पासबुक वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में साफ साफ यहाँ पे बताया गया है ईपीएफओ के माध्यम से कि यूनिफाइड पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के 6 घंटे बाद ही आपका पीएफ का पासबुक है वो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लिया और तुरंत के तुरंत देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में भी आपको बता दिया गया है कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल, देखिए मेंबर पोर्टल ये है जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कोई भी आप बदलाव करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप 6 घंटे बाद ही इस पे लॉगिन हो पाओगे। देखिए ये तीसरा पॉइंट है, ये ही आपको लॉगिन नहीं होने देता है। काफ़ी लोग जैसा क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा पासवर्ड चेंज हो गया फिर भी नहीं लॉगिन हो पाते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर की भी बात कर लेते हैं सर। यहाँ पे केवल उन्हीं का पासबुक शो होता है, दिखाई देता है, जिनकी एंट्री ईपीएफओ फील्ड ऑफिसेस पे होता है, यानी कि केवल उन्हीं लोगों का यहाँ पे पीएफ पासबुक आप देख पाओगे, चेक कर पाओगे, जिनका जो पैसा है वो पीएफ ऑफिस में जमा होता है। जैसे कि यहाँ पे पांचवा ऑप्शन है, पांचवें ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं, और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। तो पाँचवें ऑप्शन में आपको साफ तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि जिन कर्मचारियों का पैसा उनकी कंपनी खुद ही किसी ट्रस्ट वगैरह के माध्यम से मैनेज करती है, या तो जिनके पैसे का सेटलमेंट पूरी तरह से हो चुका है, अब उनका कोई भी पैसा बकाया नहीं है, या फिर निष्क्रिय हो चुके जो भी लोग हैं उनका जो पासबुक है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अब फ्रेंड्स आप इन सभी चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं, फिर भी यदि आपके साथ कुछ समस्या है तो आपने समस्या का जो डिटेल है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूँगा। और इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से यदि आपको लिंक नहीं मिलते हैं, आपको रिलेटेड वीडियो नहीं मिलता, तो कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आपके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।